तो दोस्तों फाइनल यहाँ पर गूगल की पिक्सल 8 सीरीज बहुत जल्द इंडिया मार्केट में आने वाली है। अब यहाँ पर काफी समय से इसके जो रूमर्स है वो आने स्टार्ट हो गए थे, बट फाइनली अब इसकी कुछ डिटेल जो वो कंफर्म हो चुकी है गूगल की तरफ से भी, एंड यहाँ पर लीकर्स ने भी 100% कंफर्म करा दिया है कि यहाँ पर आपको गूगल के पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन में क्या कुछ जो वो स्पेक्स देखने को मिलेगी, किस प्राइस तक ये आ सकता है एंड कब तक आपको इंडिया मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर गूगल के पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं इंडिया लॉन्च के लिए या फिर इसके बारे में कोई भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्टफोन के मेनली डिजाइन के बारे में, क्योंकि डिजाइन यहाँ पर आप सभी की जानकारी बता दूं ज्यादा कुछ चेंज यहाँ पर गूगल नहीं करने वाला है। डिजाइन में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, डिजाइन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। प्रीमियम यहाँ पर आपको बिल्कुल डिजाइन देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर में आपको एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ आपको कोरिन का गोला ग्लास विक्टर्स देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ में ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। कैमरा सेटअप इस बार यहाँ पर आपको काफी तगड़ा देखने को मिलेगा पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन में, जहाँ पर जो आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा वो 15 मेगापिक्सल का होगा एंड OIS का सपोर्ट यहाँ पर आपको डेफिनेटली इसके अंदर में मिलने वाला है। इसी के साथ में यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा एंड 48 MP का यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पिक्सल 7 प्रो जो था वो भी काफी तगड़ा कैमरा परफॉर्मेंस के साथ में आया था, काफी अच्छी क्वालिटी वहाँ पर आपको देखने को मिल गई थी, लेकिन ये उससे भी एक नंबर ऊपर निकल करके आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरह की कैमरा क्वालिटी इसके अंदर में देखने को मिलने वाली है। फ्रंट कैमरा की बात की तो यहाँ पर आपको 10.8 MP का फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में भी आप लोग देख लीजिए कितना कमाल का लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर में। पंच होल जो वो कितना माइनर सा आपको देखने को मिल जाता है, काफी छोटा सा कैमरा पंच होल यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो डिस्प्ले वाइज भी काफी तगड़ा स्मार्टफोन रहेगा। स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, यानी कि 2K OLED पैनल का यहाँ पर यूज किया जाने वाला है इसके अंदर में, और फ्रंट में भी यहाँ पर आपको कॉर्न के ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन जो वो देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पर विक्टस 2 आपको देखने को मिलेगा, विक्टस नहीं होगा, विक्टस 2 यहाँ पर यूज करने वाला है इस बार गूगल अपने पिक्सल 8 सीरीज के अंडर में। इसी के साथ में 3D कर्व डिस्प्ले ये होने वाला है, तो कमाल का लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गेमिंग वगैरह के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट इसके अंदर में देखने को मिल सकता है, ऐसा लीकर्स की तरफ से बताया जा रहा है। बाकी अगर 120Hz का भी मिल जाए तो भी काफी सही रहने वाला है, लेकिन 144Hz में गेमिंग एक्सपीरियंस आपको थोड़ा और बेटर इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, LPTO 2.0 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल सभी फीचर्स आपको डिस्प्ले के अंदर में देखने को मिलने वाले। इसी के साथ में आपको फ्रंट में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, तो यहाँ पर उसकी वजह से काफी एक्यूरेट यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप फिंगरप्रिंट कहीं पर भी लगा दीजिएगा आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाएगा आधे नीचे का जो आधा हिस्सा है उसके अंडर में। बाकी यहाँ पर आपको IP68 की रेटिंग इसके अंदर में देखने को मिलेगी। बात करें परफॉर्मेंस की तो आप सभी जानते हैं गूगल को काफी समय हो चुका है अपना ही प्रोसेसर अपने स्मार्टफोन में यूज कर रहा है, तो यहाँ पर गूगल की टार्जन G3 चिप इसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि थोड़ी सी और पावरफुल होने वाली है अगर आप बात करें प्रीवियस के जनरेशन से, यानी कि G2 चिप से, तो काफी कुछ इनहेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बैटरी कंजप्शन काफी कम जो हुआ देखने को मिल जाएगा। LPDDR5X रैम देखने को मिलेगी, UFS की 4.0 स्टोरेज का यूज इसके अंदर में होने वाला है। बाकी अगर हम बात करें रैम वेरियंट की तो उसका जो बेस वेरियंट होगा 12 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। सेकंड वेरियंट आपको उसका 12 GB रैम प्लस 512 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा एंड ऐसा बताया जा रहा है कि एक इसका 16 GB रैम वेरियंट भी इंडिया मार्केट में आने वाला है। आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट करके बताएगा। प्राइस वगैरह की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 90,000 रुपये की प्राइस के संदर्भ में आपको इसका बेस वेरियंट जो है देखने को मिल जाएगा इंडिया मार्केट के अंदर में, जो कि मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा अगर आप बात करें बाकी अदर्स कंपनियों से। तो वैसे आपकी क्या राय है इसी पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन के बारे में कमेंट करके बताएगा आपके हिसाब से किस प्राइस पर लॉन्च होना चाहिए। बाकी बैटरी वगैरह की बात करें तो बैटरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, 4950 mAh की बैटरी इसके अंदर में यूज़ की गई है, पर जो फास्ट चार्जिंग है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, क्योंकि इसके अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ 27 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। अराउंड 1 घंटे के आसपास आपका स्मार्टफोन 0 to 100% चार्ज होने में लगा देगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। आज के समय में आप जैसे कि जानते हैं 300 W तक की चार्जिंग स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है, तो एटलीस्ट यहाँ पर गूगल को 45 W या फिर 65 W तक की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करानी चाहिए थी। हालांकि बॉक्स के अंदर में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, लेकिन सपोर्ट करता तो शायद थोड़ा और बेटर हो सकता था। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएगा। बाकी एंड्रॉइड 14 के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 जो वो देखने को मिलने वाला है।
बाकी बात करें इंडिया लॉन्च की तो देखिए उसके बारे में गूगल की तरफ से तो अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं आई है, लेकिन लीकर्स का दावा यह है कि स्मार्टफोन सितंबर के महीने में इंडिया मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। सितंबर का ज्यादा समय नहीं बचा, ऑलमोस्ट एक महीने बाद ये स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। अगस्त के महीने में ग्लोबल एंड चाइना में जाने वाले हैं। आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में कमेंट कर बताएगा, गूगल को स्मार्टफोन कितने समय में लॉन्च करना चाहिए, क्या आप इसका वेट कर रहे हैं एक्चुअल में इंडिया लॉन्च के लिए, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट कर बताएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।